नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे PCOD के संबंध में, क्योंकि आप सभी का कमेंट्स आया हुआ है। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर इसे बोलते हैं। ये एक मेडिकल कंडीशन है जो आमतौर पर रिप्रोडक्टिव उम्र की महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन के कारण पाई जाती है। इसमें महिला के शरीर में मेल हार्मोन एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और ओवरी पर एक से ज्यादा सिस्ट हो जाते हैं। बदलते लाइफस्टाइल के कारण महिलाओं में कई तरह की शारीरिक समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसमें से ये भी एक है। इसी से रिलेटेड एक समस्या है PCOS, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं। जी हाँ, ये 70% महिलाओं में देखने को मिलती है, लेकिन ये दोनों ही खान पान से रिलेटेड बीमारी है। यानी कि अगर आपने अपनी दिनचर्या को नियमित नहीं किया है, खाने पीने की आदत आपकी सही नहीं है, तो ये समस्या होती है। इसके कारण महिलाओं को अनियमित पीरियड्स और प्रेगनेंसी में आने वाली परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके कारण महिलाओं में पेट का कैंसर और ओवरी में अल्सर की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में इस बीमारी के लक्षण को जान करके इलाज करना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी अंत तक बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले आइए जानते हैं PCOD के कारणों को, क्यों होता है ये। हार्मोनल असंतुलन के कारण, और महिलाओं में हार्मोन्स का असंतुलन समय समय पर होता रहता है। इसके अलावा तनाव और टेंशन के कारण, अगर कोई तनावग्रस्त रहती हैं माता बहन तो उनको ये समस्या होती है। समय पर अगर आप खाना नहीं खाते हैं, रात को देर से सोने की आदत है, बहुत अधिक व्यायाम करते हैं, अगर संबंध बनाते समय सावधानी नहीं बरतती हैं, शराब या धूम्रपान की लत है, डायबिटीज या फिर हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जंक फूड या कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं ज़्यादा, तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। तो माताओं बहनों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। खास करके इनमें से कोई भी अगर बैड हैबिट है तो उसे बदल देना चाहिए, क्योंकि ये समझ लीजिए ये दोनों ही कंडीशन आपको तभी आती है जब आपके लाइफ स्टाइल में कोई ना कोई गड़बड़ी होती है। अगर आपको नहीं पता है PCOS और PCOD के संबंध में कि इसमें अंतर क्या है, क्योंकि दोनों अलग अलग स्थिति है, तो आप लिख भेजिएगा कमेंट्स के माध्यम से, हम वो भी आपको बता देंगे। फिलहाल आज हम सभी जानते हैं इसके इलाज के संबंध में कि घरेलू औषधियों के द्वारा इसे कैसे कंट्रोल करेंगे। आइए जानते हैं PCOD के लक्षणों को कैसे आप पहचानेंगे। इसमें वजन बढ़ने लगेगा, कब्ज और एसिडिटी पेट में रहने लगेगा, सिर दर्द और कमजोरी की शिकायत होगी, चेहरे पर मुहासे आने लग सकते हैं, ऑयली स्किन हो जाएगी, बालों का झड़ना और डैंड्रफ स्टार्ट हो जाएंगे, अनियमित पीरियड्स हो जाएगा और चेहरे और शरीर पर अनचाहे रूप से बाल आने लगेंगे, मुख्यतः PCOD में। तो अब जानते हैं इसके घरेलू उपचार के बारे में। ऐसी स्थिति नहीं आएगी अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर रखेंगे तो, लेकिन पहले औषधियों के संबंध में जान लेते हैं। इसमें मैग्नीशियम युक्त भोजन लेना बहुत फायदेमंद रहता है। मैग्नीशियम हड्डियों, मांसपेशियों और दिमाग को मजबूत बना करके PCOD के खतरे को कम करता है। इसीलिए अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीशियम युक्त चीज़ें जैसे कि नट्स, सोयाबीन, अलसी के बीज, कद्दू के बीज, डार्क चॉकलेट, केला और खजूर को शामिल करना चाहिए। ये मैग्नीशियम से भरपूर फूड्स हैं, इनके सेवन से आपको लाभ होगा। इसके अलावा दालचीनी पाउडर, जी हाँ, दालचीनी का सेवन शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ने से रोकता है। एक चम्मच दालचीनी पाउडर को गर्म पानी में मिला करके हर रोज पीजिए, इससे PCOS की समस्या दूर होगी आपकी। इसके अलावा अलसी के बीज, जी हाँ, अलसी के बीज को पीस करके गर्म पानी में मिला करके रोज आपको पीना चाहिए। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर और मैग्नीशियम से भरपूर अलसी के बीजों का सेवन इस समस्या से निपटने में मदद करेगा आपकी। तो इसीलिए अलसी का सेवन आपको जरूर करना चाहिए, खास करके हर एक महिला को करना चाहिए। इसके अलावा आप ले सकते हैं पुदीने की चाय। कॉफी या चाय का सेवन करने की अगर आपको आदत है तो उसको छोड़ दीजिए और उसकी जगह पर आप पुदीने की चाय का सेवन एक दिन में 2 बार कीजिए। इससे ज्यादा इसका सेवन भी आपको नहीं करना है, इससे आपको राहत मिलेगी। पेट दर्द, कब्ज और एसिडिटी से भी आपको ये राहत दिलाएगा। इसके अलावा सेब का सिरका, इसका सेवन शरीर में शर्करा को नियंत्रित करके इंसुलिन के
उत्पादन से दूर रखता है। इससे आपका वजन कम होने के साथ साथ PCOS का खतरा भी कम होता है। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि इसका सेवन करें और अपना वजन न बढ़ने दें, ये इसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है। इसके अलावा मेथी के बीज को 8 घंटे के लिए पानी में भिंगो देना चाहिए, यानी कि शाम को भिंगो दीजिए। इसके बाद इसे पीस करके इसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए। दिन में 2 बार नियमित रूप से इसका सेवन कीजिए, इससे आपको सुधार होता हुआ नजर आने लगेगा। अब इसमें कुछ चीज़ों का परहेज करना भी बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी है इन फूड्स का सेवन, उतना ही ज़रूरी है कुछ फूड्स से दूरी बनाना। PCOD के खतरे से बचने के लिए अपनी डाइट में सुधार करिए। किसी भी प्रकार का मांसाहार, नमक युक्त भोजन यानी कि ज़्यादा नमक जिसमें होता हो, मेवे, प्रोसेस्ड सब्जियाँ, मांस और सॉस का सीमित मात्रा में सेवन कीजिए या न कीजिए कुछ दिनों तक। अगर ये समस्या हो गई है तो आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रोसेस्ड आहार जैसे कि बर्गर, पिज्ज़ा, मैगी इत्यादि चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए। इसके अलावा संतृप्त वसा वाली चीज़ें जैसे कि मीट्स, पनीर, खट्टा दही और तली हुई चीज़ों का भी कम मात्रा में सेवन कीजिए। इसके अलावा शराब और धूम्रपान का सेवन भी इस खतरे को बढ़ा देता है, इसलिए महिलाओं को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए तो ही फायदा हो सकता है। जब आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो इन बातों का ध्यान रखें, अन्यथा आपकी मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगी तो आपको इससे राहत मिलेगी। आप सभी ने कमेंट्स किया, इसीलिए हम आज ये एपिसोड आप सभी के लिए लेकर के आए ताकि आप अपने आप को PCOD की समस्या से बचा सके। PCOS और PCOD दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए ये बेस्ट औषधि है। वजन को कंट्रोल में रखें, कुछ नियमित बातें हम आपको बता देते हैं जो कि ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी है। आपका केयर करना ही आपको बचा सकता है इससे। तो अपने वजन को कंट्रोल में रखें, नियमित रूप से एक्सरसाइज जरूर करें, चाहे जैसे समय निकालें आधा 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर करें, सही लाइफस्टाइल चुनें, जी हाँ सिगरेट, शराब इत्यादि कोल्ड ड्रिंक्स से दूरी बना लें, खान पान का हमेशा ध्यान रखें कि समय पर खाएं क्योंकि ये बेहद जरूरी हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग इसमें पूछते हैं क्या PCOS PCOD का इलाज वैकल्पिक चिकित्सा में उपलब्ध है? तो जी हाँ है, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जिसकी शुरुआत ही खराब और लापरवाही भरी जीवन शैली से होती है। तो इसे दूर करके यानी कि अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करके PCOD और PCOS जैसी बीमारी को आप दूर कर सकते हैं आसानी से। इसके लिए स्टार्टिंग में पकड़ा आपने तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी दिनचर्या को बेहतर कर लीजिए, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। और अगर आपने इसको नियंत्रित नहीं किया आपकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। फिर जैसा कि हमने आपको बताया कि ये कैंसर जैसी घातक बीमारी का भी रूप ले सकती है, फिर मुश्किलें बढ़ जाने के बाद कोई इलाज कार्य नहीं कर पाता है, फिर पैसा भी लगता है, समय भी लगता है और मुश्किलें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना सभी के लिए बेहतर है, खास करके माताओं बहनों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पुरुषों को भी ध्यान रखना चाहिए हमेशा अपने लाइफस्टाइल का, और वैसे ही माताओं बहनों को भी। अगर कब्जियत की शिकायत रहती है तो सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पेट से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या आपको होती है तो वो पूर्णतः ट्रबल कराती है, मुश्किल में आपको लेकर के आती है। इसके लिए क्या करना है, आप कब्जियत को हमेशा अपने आप से दूर रखें, और कब्ज को दूर रखना है तो जठराग्नि को प्रदीप्त रखने के लिए खाना खाने के बाद वज्रासन में 5 मिनट के लिए ही सही जरूर बैठें, जैसे हनुमान जी बैठते हैं वैसे, यानी कि दोनों पैरों को घुटने से मोड़ करके और उस पर अपने कुल्हे टिका करके बैठना होता है। इसके अलावा आपको दूसरी चीज़ का जो ध्यान रखना चाहिए वो ये कि सुबह में 4 से 5 के बीच में जग करके 1 गिलास गर्म पानी पी करके शौच जाइए। उस समय पर सबसे ज़्यादा बेहतर समय होता है शौच जाने के लिए, पेट आपका बिल्कुल साफ होगा। ऐसे लोगों को बहुत कम समस्या होती है कि कब्ज की शिकायत हो, अगर उन्होंने खान पान की आदत सही रखा है और सोने का समय सही रखा है। तो 4 से 5 के बीच जो जगते हैं उनका पेट बिल्कुल साफ हो जाता है, क्योंकि प्राणवायु उस समय अतड़ियों में होता है, इसलिए लीवर बिल्कुल क्लीन हो जाता है, तो इसलिए बेहद जरूरी है। और इसके साथ साथ आप पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन जरूर करें और फाइबर युक्त चीज़ों का सेवन करें, जैसे कि जो सब्जियां छिलके के साथ खाई जा सकती हैं या जो फल उनको छिलके के साथ ही खाएं, उनका छिलका न हटाएं। आटा खा रहे हैं तो उसमें से चोकर को बाहर न निकालें, चोकर युक्त आटे की ही रोटी बना करके सेवन करें। मैदा और जैसा कि हमने बताया फास्ट फूड जैसी चीज़ों का सेवन कम करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी भी प्रकार की दवा की, आप आजीवन सही से स्वस्थ रह सकेंगे। तो ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए। अगर आपके मन में अब भी कोई दुविधा है तो आप लिख भेजें कमेंट्स के माध्यम से, हम आने वाले दिनों में
इन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो जरूर बना देंगे। फिलहाल आज का ये वीडियो आप सभी के कमेंट्स के आधार पर ही था। किसी को माता या बहन को पीसीओडी की समस्या थी, जिन्होंने लिखा इसी चैनल पर एपिसोड है जो कि महिलाओं में अंडे कम बनने की स्थिति पर बनाया हुआ है कि क्यों बनता है कम और उसको सही से और मजबूत अंडे बनाने के लिए, यानी कि जिससे कि आपका शिशु यानी कि बेबी स्वस्थ हो, इसके लिए क्या क्या सेवन करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस वीडियो में हमने बताया हुआ है। साथ ही साथ आपके लिए इसी चैनल पर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा रसौली से रिलेटेड, गर्भाशय से रिलेटेड वीडियो जो कि आप देख सकते हैं, आपको उसमें पूर्णतः जानकारी मिलेगी। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देख सकते हैं। किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है अगर पीरियड्स के समय, या फिर किसी किसी को समस्या होती है कि उनको रसौली है किन चीजों का सेवन करें, तो पूर्णतः हमने बताया हुआ है दूसरे वीडियोज में। या फिर 16 से लेकर के 45 साल की उम्र तक में महिलाओं के शरीर में हार्मोनल जो चेंजेज होते हैं, इसकी वजह से पीरियड्स में क्या क्या बदलाव आते हैं, कब कब, वो भी पूर्णतः बताया हुआ है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए आप देख सकते हैं। एक ही एपिसोड में सारी चीजें इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो आपके लिए भी देखना मुश्किल हो जाएगा। प्ले लिस्ट में जाइए, गर्भाशय में रसौली या गांठ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारी वीडियो उपलब्ध हैं, वहां से आप पूर्णतः जानकारी ले सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल को सुधारें और हमेशा स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है, इसीलिए ये वीडियो भी हमने बनाया हुआ है। ये वीडियो कैसी लगी आप सभी अपना कमेंट्स जरूर दें, आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। साथ ही साथ आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं, इस बात की बेहद खुशी है हमें, दिल से धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी नई वीडियो जब भी हम लेकर के आए नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो लेकर के हम आए नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको जिनको इसकी जरूरत है, और कमेंट कीजिए आपके मन में कुछ सवाल हैं। तो हम फिलहाल आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद, नमस्कार।